बच्चे अगर बिगड़ते हैं, बेटियां अगर बिगड़ती हैं, रसूल पाक फरमाते हैं वो फितरते सलीमा लेकर के जो आया बच्चा या बच्ची, अब अगर उसके अंदर बिगाड़ आता है तो सबसे पहले बिगाड़ का काम उसके वालिदैन की तरफ से आता है। क्यों आपने गौर नहीं किया कि बच्ची शीशे के सामने मेकअप में आकर के अभी 3 साल की नाच रही है और आप कुछ होकर पैसा दे रहे हैं, तो क्या ऐसी बच्ची से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो कनीज़े फातिमा बनने में फख्र महसूस करेगी? क्या आप ये तसव्वुर करते हैं कि वो पाकीज़ा सीरत लेकर के कौम के अंदर, मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है उसको रोकने का काम करेगी? आपने पहले बिगाड़ा। बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए यही जुमला आपके लिए काफी। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। हमारे उलमा ने आपसे हजारों मर्तबा ये कहा, आप जो भी चाहिए बनाइए, डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लायर बनाइए, जो चाहिए बनाइए, मगर सबसे पहले मुस्तफा का वफादार बना। आप इस पर फख्र मत कीजिए कि हम डॉक्टर हैं। दुनिया की कौन सी कौम है जिसमें अल्लाह ने डॉक्टर नहीं पैदा? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें मास्टर और इंजीनियर नहीं? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें आलिम और हाफिज नहीं? तलबा पढ़ने वाले वो कौन से मकातिबे फिक्र हैं जिनके यहाँ आलिम कहलाने वाले लोग नहीं पाए जाते हैं? कौन सी वो कौम है जिनके पास